दोस्तों भारत में कई स्थान ऐसे भी हैं जहां रावण दहन नहीं किया जाता बल्कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां के निवासी रावण को अपना रिश्तेदार भी मानते हैं और इसलिए वे रावण का दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर रावण के पांडित्य के कारण भी उसे पूजा जाता है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन और आज हम आपको अपने वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी जगहों के बारे में जहां रावण की पूजा होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गाँव में भी रावण का मंदिर निर्माणाधीन है। मान्यता है कि गाजियाबाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गांव बिसरख रावण का ननिहाल था। नोएडा के शासकीय गजट में रावण के पैतृक गांव बिसरख के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था जो रावण के पिता विश्वरा के नाम पर पड़ा। कालांतर में इसे बिसरख कहा जाने लगा। दूसरा दोस्तों जोधपुर। जोधपुर शहर में भी लंकाधिपति रावण का मंदिर है। यहाँ के दवे गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग मानते हैं कि जोधपुर रावण का ससुराल था तो कुछ मानते हैं कि रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। तीसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में मंदसौर में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर रावण की विशालकाय मूर्ति है। किदवंती है कि रावण दसपुर अर्थात मंदसौर का दामाद था। रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दसपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी रावण की पूजा की जाती है। दोस्तों उज्जैन जिले में चिखली ग्राम में ऐसी मान्यता है कि यदि रावण को पूजा नहीं गया तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए इस गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि दशहरे पर रावण की पूजा अर्चना होती है। गांव में ही रावण की विशालकाय मूर्ति स्थापित है। दोस्तों कर्नाटक के कोलार जिले में भी लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं। ये लोग रावण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वह भगवान शिव का भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस की शोभा बढ़ाती है। इसी राज्य के मंडिया जिले के मालवली तलुका में रावण को समर्पित एक मंदिर भी है। दोस्तों कथाओं के अनुसार रावण ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ इसी शिवलिंग के निकट रावण की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ शिव और रावण दोनों की पूजा मछुआरा समुदाय के लोग करते हैं। रावण को लंका का राजा माना जाता है और श्रीलंका में कहा जाता है कि राजा बलगंबा ने इला घाटी में रावण के नाम का गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले में कोरकू और गोंड आदिवासी रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को अपना देवता मानते हैं। अपने एक खास पर्व फागुन के अवसर पर ये इसकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई शहरों और गांवों में भी रावण की पूजा होती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जसवंत नगर में दशहरा मनाने का अंदाज जरा निराला है। यहाँ दशहरे वाले दिन रावण की पूरे शहर में आरती उतारकर पूजा की जाती है। उसे जलाने के बजाय रावण को मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोग रावण के उन टुकड़ों को उठाकर घर ले जाते हैं। जसवंत नगर के रावण की मौत के 13वें दिन रावण की 13वीं भी की जाती है। दोस्तों जसवंत नगर के रामलीला मैदान में लगभग 15 फुट ऊंचा रावण का पुतला नवरात्र के सप्तमी के दिन लगाया जाता है। दशहरा पर जब रावण अपनी सेना के साथ युद्ध करने को निकलता है तब यहाँ उसकी धूप कपूर से आरती होती है और जय जयकार भी होती है। यहाँ की यह परंपरा दक्षिण भारत से प्रभावित है। दरअसल रावण बहुत ही ज्ञानी था और यहाँ रावण के पांडित्य और ज्ञान रूपी स्वरूप को पूजा जाता है जबकि उसके राक्षसत्व के कारण उसका वध किया जाता है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिव नगरी के नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रावण का पुतला जलाना तो दूर सोचना भी महापाप है। यदि इस क्षेत्र में
रावण का पुतला जलाया गया तो उसकी मौत निश्चित है। मान्यता के अनुसार रावण ने कुछ वर्ष बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। शिव के सामने उनके परम भक्त के पुतले को जलाना उचित नहीं था और ऐसा करने पर दंड तत्काल मिलता था, लिहाजा रावण दहन यहाँ नहीं होता। दोस्तों, बैजनाथ के बिनवा पुल के पास रावण का मंदिर है जिसमें शिवलिंग व उसी के पास एक बड़े पैर का निशान है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की थी। इसके बाद शिव मंदिर के पूर्वी द्वार में खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी निकला था। इस कुंड के समक्ष रावण ने हवन कर अपने 9 सिरों की आहुति दी थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर रावण को मोक्ष का वरदान दिए थे। तो दोस्तों, यह थे वो स्थान जहाँ पर लंकापति रावण को पूजा जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही धर्म और अध्यात्म से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक लेख पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट ज्ञानमंथन.net पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों, इसके साथ ही हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।